ओके चलो, होमवर्क दिए थे ना, कंप्लीट कर लिया है तुम लोग? हेलो, जस पूछना नहीं ना है होमवर्क में? क्लास क्लास नोट्स में ही होमवर्क दिया गया था, कुछ पूछना नहीं ना है उसमें? तो स्टार्ट करूं नेक्स्ट टॉपिक? हेलो रवि, बोलो। यस सर, यस सर। तो कंडीशनल आइडेंटिटी एंड सीरीज बोले थे पढ़ाने के लिए, तो देखो स्टार्ट करता हूँ कंडीशनल। एक इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में ही देखेंगे। तो कंडीशनल देखो, ये जनरली जो होता है यहाँ पे कंडीशन, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। और थीटा क्या होता है? बिलोंग्स टू, फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ, ये रेडियन में अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? थीटा बिलोंग्स टू रियल में कुछ भी आ जाएंगे, रियल नंबर। डिग्री में लोगे, रेडियन में लोगे तो इन रेडियन, इन रेडियन यहाँ पे दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ थीटा, यहाँ पे क्या होता है? सारे वैल्यू के लिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा डिफाइंड है, तो ये क्या होता है? सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। लेकिन कंडीशनल आइडेंटिटी में पहले से दिया हुआ रहेगा, कुछ ना कुछ कंडीशंस दिए रहेंगे, उसके बाद आइडेंटिटी डिराइव किया जाता है, ठीक ना? ये क्या है? फॉर ऑल वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, जैसे इसी में आ जाता है सेक के स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है? थीटा बिलोंग्स टू आर नहीं होता है इसमें। फॉर ऑल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बताओ? थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? देखो इसमें हाँ, सेक इसमें थीटा 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली 1/2 क्या होता है? कॉस थीटा, फिर टाइन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो जहां पे कॉस थीटा 0 होता है, ये क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है? तो 2n+1 π/2 पे क्या होता है? अगर कॉस इस तरह से फॉर्म में रहेगा तो ये ऑलवेज 0 होता है, इसलिए यहाँ पे थीटा क्या होगा? थीटा बिलोंग्स टू आर माइनस 2n+1 π/2 होता है, ठीक है? वो सारे वैल्यू को हटा देंगे, देन सारे वैल्यू के लिए के, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए डिफाइंड है। देन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होता है? कोसेक कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। कॉट थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इट मीन्स यहाँ पे साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, एन तो एन पाई, तो आर माइनस क्या हो जाएगा? एन पाई। और एन क्या होता है? एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स होते हैं, ठीक है? तो सर, ये भी आइडेंटिटीज हो गया। हाँ बोलो। कंडीशनल आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी ये आइडेंटिटीज है, सर, तो उसमें कंडीशन लग रहा हुआ। ये तो अब अपना डोमेन है, उस डोमेन में जा ही नहीं रहा है ये वैल्यू, इसलिए पहले तो डिफाइंड होना चाहिए ना। तो डिफाइंड होने के लिए इसका क्राइटेरिया क्या होता है? कि डोमेन में होना चाहिए, आउटपुट देना चाहिए, उसके लिए आउटपुट ही नहीं आ रहा है। अदर वैल्यूज के लिए क्या हो रहा है? आउटपुट दे रहा है, तो ये हमेशा क्या होता है? कि डिफाइंड होता है। तो ये कंडीशनल आइडेंटिटीज नहीं होता है, ठीक है? कंडीशनल में क्या हो जाएगा? एंगल, सम ऑफ एंगल्स दिया हुआ रहेगा, दो एंगल्स रिलेट कर दिया, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दे दिया, देन सप्लीमेंट्री एंगल्स दे दिया। सब सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स क्या होता है बताओ? सम ऑफ एंगल्स क्या सम होना जिसका चाहिए? G180 सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स सम ऑफ 90। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सम ऑफ
एंगल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, ये ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड एक क्या होता है जी नेक्स्ट वन, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स किस क्या हो जाएगा, सम ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो कंडीशन इसमें, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा, इस तरह से अगर रिलेट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंडीशनल आइडेंटिटी, मींस वो पर्टिकुलर केस में ही ओनली आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा, ये ध्यान रखना। ये क्या होगा, थीटा बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखो थीटा का तो ये ऑलवेज क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा, तो इनवर्सल टाइप का हो गया। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, कंडीशन रहेगा कि अगर समथिंग कुछ गिवन है देन जो आइडेंटिटी डिराइव किया जा रहा है तभी वो फॉलो करेंगे उसको, तो उसको कंडीशनल आइडेंटिटी बोला जाता है। सपोज इसमें देख लो कि जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि कंडीशन में क्या, यहाँ पे जनरली ट्रिगो में ट्रायंगल्स के बारे में ही पढ़ते हैं, तो ए हो गया ये बी एंड सी, ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जो एंगल्स का बात कर रहे हैं कितना होता है जी 180 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया। देन इसके रिलेटेड क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी दिया हुआ रहेगा या इसी से डिराइव किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कंडीशनल आइडेंटिटी। सपोज यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको क्या लिखेंगे पाई, ठीक है, पाई इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। अब इसमें बोलेगा, इसी में साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c, दिस इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंडीशनल आइडेंटिटी हो गया। क्यों कंडीशनल आइडेंटिटी हो गया, ये गिवन है तभी इसका वैल्यू आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 4 sin a into sin b into sin c, तो इसको कंडीशनल आइडेंटिटी बोलते हैं। क्यों, conditions पहले गिवन है, इसी से डिराइव किया गया है, दिस आइडेंटिटी इज डिराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब 180 डिग्री देखो, ये डिराइव करके बताऊंगा, यहां देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई हो गया, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वो रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको चेंज किया जाता है कि सपोज ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई माइनस सी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ए प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए, और भी लिखा जाता है कि टू से डिवाइड कर देंगे तो ए बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ये भी यूज किया जाता है, ए बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्या होगा कि वो यूज किया जाता है, चेंज किया जाता है, क्या यूज किया जाए उसके अकॉर्डिंग प्रूफ हो जाए या जो आइडेंटिटी फाइंड आउट करना है वो फाइनली आ जाए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे सपोज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, तो क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, यहां से टेकिंग साइन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस C. तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी, तो ये भी क्या हो गया, ये कंडीशनल आइडेंटिटी हो गया, ये कंडीशनल आइडेंटिटी इसको बोलेंगे। कंडीशन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो समटाइम्स क्या रहेगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई गिवन रहेगा, इन सम अदर केसेस
कि इस तरह के एक्सप्रेशन रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, वहां से तुमको ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई लाना रहेगा इन सम क्वेश्चंस, वो बहुत कम रहता है, वहां से तुमको ए प्लस ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इस तरह से तुमको कुछ सम ऑफ एंगल्स लाना पड़ेगा, वहां पे पाई बाई टू ही हो गया सपोज पाई हो गया, तो वो कंडीशन तुमको रिवर्स में जाना पड़ेगा। यहाँ के क्या है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई गिवन है, वहां से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज को डिराइव कर रहे हैं। तो जैसे इसको प्रूफ करके बताओ, तो अभी जो दिए थे ट्राई करो तो प्रूफ करने के लिए, ये याद भी रखना है, अगर याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो डिराइव भी कर सकते हो, ट्राई करो इसको। स्क्रीन पे विजुअल है ना, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इज इक्वल टू फोर साइन ए साइन बी साइन सी, ट्राई करो, नहीं तो बताता हूं। एक बार कोशिश करो, लेकिन जो इसमें यूज किया जाएगा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का ही फॉर्मूला यूज किया जाता है, जो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, जैसे साइन 2a का फॉर्मूला यूज होगा 2 साइन a इंटू कॉस ए, कॉस 2a का फॉर्मूला यूज होगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, वन इसी से ये यूज होगा वन प्लस कॉस टू ए क्या होता है वन माइनस कॉस टू ए, ये सब फॉर्मूला यूज होंगे, ये सब याद रखना है ठीक है। फिर हो जाएगा कॉस ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला, देन साइन सी प्लस माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है cos c प्लस माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, यही सब फॉर्मूला यूज होगा ज्यादातर, बस इतना ही फॉर्मूला यहाँ पे कंडीशनल आइडेंटिटी में यूज किया जाएगा। बताओ आ गया फर्स्ट वन क्या था, प्रोग्रेस साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c is equal to 4 sin a into sin b into sin c. Try करो, दिया गया क्या है, given that a plus b plus c is equal to pi. आया नहीं, किसी ने बनाया देवांशु, बना रहा सर, दो मिनट लग जाएगा बदमाश, अरे देखो क्या है जो नहीं, मतलब बन ही रहा है, बन ही गया, लगभग थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दो सेकंड और बाकी है। लेफ्ट साइड लेकर के चलेंगे टू से, तो देखो ये दोनों में फॉर्मूला यूज कर लो, साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या हो जाएगा टू साइन टू ए प्लस टू बी बाई टू इंटू क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू, बोलो टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस कॉस सी माइनस डी, तो टू ए माइनस क्या हो जाएगा टू बी बाई टू बाई टू प्लस साइन 2c,
देखो टू सी को भी चेंज कर सकते हो, अगर चेंज करना है तो, अगर नहीं चेंज करना है तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, टू साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस साइन टू सी। अगर चेंज करना चाहता तो और इजीली हो सकता था, इसको चेंज टू सी को इधर लेकर के चले जाओ, साइन ले लो तो ए प्लस बी के टर्म्स में आएगा, अदरवाइज इस तरह से भी प्रूफ हो जाएगा। अब देखो ए प्लस बी आ गया तो दिया हुआ क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये गिवेन है तो इसको यूज करना है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी यहाँ पे आ गया, इट मीन्स ए प्लस बी को यूज कर सकते हैं, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, तो यहां से साइन ले लेंगे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, साइन पाई माइनस सी, साइन सी, ठीक है। अब साइन सी यहाँ पे पुट कर दो, नाउ साइन टू साइन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इंटू कॉस ए माइनस बी अब प्लस, अब इसमें फॉर्मूला यूज करो, टू सी है तो क्या लिखेंगे, टू साइन सी इंटू कॉस सी, राइट, साइन सी को, साइन सी को बाहर कर लेंगे, टू कॉस ए माइनस बी अब प्लस क्या हो जाएगा टू कॉस सी। अब क्या करेंगे, टू को बाहर कर लेंगे, टू साइन सी हो गया तो आ जाएगा कॉस ए माइनस बी अब प्लस कॉस सी। नेक्स्ट ट्राई करो अगला स्टेप लिखने का, कंडीशनल आइडेंटिटी में इसी तरह से रहेगा, जनरली इस वाले पार्ट से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, सीरीज जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। जल्दी से बताओ, ट्राई करो नेक्स्ट स्टेप करने का, जब तक नहीं बनाओगे सीखोगे ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला का यूज करना है, किस तरह से यूज करना है वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। ये सर आ गया सर, सिर्फ कॉस ए माइनस बी को सर ब्रेक करके फिर मल्टी से ऐड कर दिया, किसी ने कंप्लीट किया नहीं। अब कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी प्लस डी कॉस माइनस c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, है ना? यस सर, दिस इज इक्वल टू टू साइन सी इंटू कॉस, क्या लिखोगे यहां से a माइनस बी, ये c के तरह ट्रीट होगा, प्लस c बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस सी बाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, राइट, दिस इज इक्वल टू टू साइन टू टू क्या हो जाएगा जी फोर हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए प्लस सी माइनस बी बाई टू इंटू कॉस क्या लिखेंगे a माइनस बी प्लस सी बाई टू, करेक्ट ना? अब देखो यहां से यूज करना है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो a प्लस सी बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस सी पाई माइनस सी, a प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, यहां पे देखो b प्लस सी पाई माइनस बी, अच्छा पाई माइनस बी, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए, ये दोनों यूज करना है, वो दिख जाएगा कि क्या यूज करना है, जो सॉल्व करोगे तो रिक्वायरमेंट उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो फोर साइन कॉस ए प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी, तो पाई माइनस टू भी हो जाएगा बाई टू इंटू कॉस
बी प्लस सी, तो ए माइनस क्या लिखोगे बी प्लस सी का वैल्यू, तो माइनस पाई अब प्लस ए हो जाएगा अब बाई टू आ जाएगा राइट इज इक्वल टू फोर साइन, यहां से क्या हो जाएगा जी कॉस पाई बाई टू माइनस बी हो जाएगा ठीक है इंटू कॉस, यहाँ पे देखो माइनस बाहर ले लेना तो पाई बाई टू और माइनस ए हो जाएगा, यहाँ ये जो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा ठीक है, तो क्या आ गया फोर ये ए है सॉरी सी फोर, अच्छा यहाँ सी था ना yes, sir. यहाँ सी था साइन सी, ये आ जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस बी क्या हो जाएगा साइन बी, यहाँ पे कॉस पाई बाई टू माइनस ए साइन ए आ गया फोर साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, राइट साइड में जो लाना था वो वैल्यू आ गया करेक्ट। इसमें किसी को पूछना है नहीं, चलो ये एक और बना लो, इसका रिजल्ट भी याद रखना जो अभी बताया हूं वो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई और देन प्रूव दैट कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस फोर कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ट्राई करो तो दो मिनट का टाइम देते हैं एटलीस्ट 75% बन जाना चाहिए। ट्राई करो जल्दी से, आ गया कितने लोग क्लास में कर रहे हो, विवेक सुहानी सुहानी हेलो यस सर, समझ में आया अभी बताए वो फॉर्मूला याद की है? नहीं सर पहला ही क्लास है मेरा, तो क्या कर रही थी अब तक? नहीं सर मेरा ये ट्रिग्नोमेट्री का छूट गया था बहुत सारा क्लास सर, स्कूल का भी स्टार्ट हो गया था उसके लिए। समझ में आया अभी जो बताए वो क्लासेस ट्रिगो में छोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा बीच में? नहीं सर स्टार्टिंग से छूटा हुआ है पूरा, डॉट क्लास ले लेना। यस सर, अमलदेव प्रूफ हो गया बना रहा हूं
आ गया होमवर्क दे दूं ठीक है ट्राई करना सर बन गया बन गया ना चलो गुड ट्राई करना सभी लोग जिन जिनसे नहीं हुआ है अभी वो ये होमवर्क मेरा आ गया बना करके लाओगे ट्राई कर लेना आ जाएगा उसी तरह से जो अभी बताएं साइन के लिए सेम प्रोसेस इसमें भी यूज किया जाता है अब एक फॉर्मूला याद रखना ये फॉर्मूला बताए नहीं थे टैन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू किसी को याद है क्या होता है यस टैन ए माइनस टेन क्यूब ए टेन ए प्लस टेन बी टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस सी माइनस टेन ए टेन ए टेन बी टेन सी इनटू टेन बी इनटू टेन सी सी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी टेन ए इनटू टेन बी माइनस टेन बी इनटू टेन सी माइनस टेन ए इनटू टेन सी तो ये ध्यान रखना अब देखो इसी में अगर इस तरह से रहेगा टेन ए ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ए एन देखो ये थ्री के लिए है तो यहाँ पे सबका सम आया है सिंगल में क्या किए सबका सम तो ये कर लेना एस वन माइनस बताओ क्या होगा एस थ्री प्लस एस फाइव इस तरह से चला जाता है डिवाइडेड बाई देखो वन माइनस और ये बता दूंगा इसका एस वन का क्या मीनिंग है यहाँ पे एस थ्री का क्या है जो एस फाइव का क्या है जो ठीक है एक के लिए बताऊंगा जरूरत यहीं तक यूज होगा इसका यूज भी नहीं होगा बट जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ यहाँ पे एस टू प्लस एस फोर माइनस एस सिक्स एंड सो ऑन इस तरह से चलता है तो देखो जो अभी फॉर्मूला बताए ये टैन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी माइनस टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी डिवाइडेड बाई वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी माइनस टैन बी इंटू टैन सी माइनस टैन सी इंटू टैन ए अब देखो ये जो पार्ट हो गया इसको एस वन बोलेंगे ये प्रोडक्ट में हो गया ये क्या हो गया एस थ्री ये तो वन हो गया और ये जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया एस टू हो गया मीन्स बाहर कर लो इसको इसी को लिख सकते हो ये पूरे जो ये है टैन ए इंटू टैन बी प्लस टैन बी इंटू टैन सी प्लस टैन सी इंटू टैन ए ये पूरा जो पार्ट है वो एस टू में आ जाएगा ठीक है उसी को माइनस बाहर करोगे ना तो वो इस तरह से अरेंज हो जाएगा ठीक है तो एस वन मीन्स क्या हो गया सम सम ऑफ यहां अलग से लिख देता हूं इस तरह से लिख लो थोड़ा समझ लेना टेन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 ए एन है तो यहाँ पे एस वन माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे एस थ्री प्लस एस फाइव आ जाएगा डिवाइडेड में वन माइनस एस टू प्लस एस फोर माइनस एस सिक्स तो एस वन का जो यहाँ पे आएगा टैन ए वन प्लस टैन ए टू प्लस टैन ए थ्री इस तरह से ठीक है लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस टैन ए एन एस टू का मीनिंग क्या होगा
taking two at a time. Tan A1 into tan A2 plus tan A1 into tan A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा सारे का टर्म्स कितना मिल जाएगा जी, टोटल नंबर ऑफ एन सी टू, ये बाद में बताऊंगा कि जैसे चार लोगों में से दो लोग का सिलेक्शन करना है तो फोर सी टू लिखता है होता है, जैसे चार फोर फ्रेंड्स हो, फोर फ्रेंड्स में से दो का ग्रुप, दो दो का ग्रुप बनाना है, पॉसिबल ग्रुप्स कितने बनेंगे तो फोर सी टू, और इसका फोर सी टू लिखते हैं तो ये कैसे ब्रेक होता है, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, अगर ये अभी नहीं भी समझ में आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से जैसे एन सी आर हो गया, इसको ब्रेक करेंगे तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। तो ये ध्यान रखना कि जैसे तुम्हारे पास 4 पेन है, ठीक है, इसमें से क्या करना है, डिफरेंट टाइप का सिलेक्शन ऑफ टू पेन एट ए टाइम, तो देखो क्या होगा कि कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, तो हाउ मेनी पॉसिबल वेज जो सिलेक्शन हम लोग करेंगे, तो फोर सी टू हो जाएगा, इसको लिखेंगे फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर माइनस टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, तो आ जाएगा फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, ठीक है, तो फोर फैक्टोरियल देखो यहाँ पे अगर फाइव फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखते हैं, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तक, वन तक आएंगे स्टॉप कर देंगे, ठीक है, जैसे तुमको यहाँ पे लिखा रहेगा टेन फैक्टोरियल, तो या तो वन से शुरू करो, टू इंटू थ्री कहाँ तक जाना है, इंटू टेन तक, ये मीनिंग होता है। अगर तुम्हारे पास जैसे 22 क्रिकेटर्स प्लेयर्स हैं, इसमें से सिलेक्शन करना है सिलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर्स फॉर ए टीम, तो कितने वेज हो सकते हैं टोटल, कितने टीम्स बनाया जा सकता है, तो 22C11, इस तरह से इतने डिफरेंट वेज से टीम को फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, इतने डिफरेंट वे से फॉर्म किया जा सकता है। जैसे तुम्हारे पास 3 पेन है, अब इसमें से 3 पेन हो गया, इस तरह से समझ लो, थ्री पेन हो गया, अब इसमें से तुमको एक पेन एक बार में सिलेक्ट करना है, तो क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हो, ये वाले फर्स्ट में सिलेक्ट कर सकते हो तो 1 हो गया, और इसको सिलेक्ट कर सकते हो तो प्लस 1 हो गया, इसको सिलेक्ट कर सकते हो तो प्लस 1, ये क्या हो गया 3 डिफरेंट वेज हो गए, अगर डिफरेंट कलर का है तो कुछ लिखना है तो 3 डिफरेंट कलर से तुम उसको लिख सकते हो, तो इसको 3C1, ये 3 ही आएगा। अगर एक साथ तुमको दो पेन को सिलेक्ट करना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगे, दो पेन को सिलेक्ट करना है तो एक ये हो जाएगा, ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके साथ और ये वाले कलर का, फिर क्या बने और पॉसिबल वेज क्या है कि येलो और पिंक, कौन सा पिंक साथ में हो जाएगा, यही 3 डिफरेंट वेज आएंगे, ठीक है, दो का सिलेक्ट करना है तो ये 3C2, ये भी वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ सीखने का क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे S2 में, तो NC2 अगर 10 है तो 10C2, 11 है तो 11C2, तो इस तरह से, तो S1 हो गया इंडिविजुअली ऐड कर देंगे, S2 मींस क्या हो गया दो टर्म का प्रोडक्ट और प्लस के साथ ऐड करते चले जाएंगे, S3 हो गया तो S3 में 3 टर्म्स का प्रोडक्ट, tan A1 into tan A2 into tan A3 प्लस tan A1 into tan A2 into tan A4, इस तरह से 3 का टर्म्स मिलेंगे, 5 है तो 5 का टर्म्स, तो ये ज्यादा यूज नहीं होता है बट समझ लो, जब बताएंगे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस तो वहां समझा दूंगा, अदरवाइज ये याद रखना, याद करने वाली क्या चीज है ये वाली, tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b प्लस टैन सी
माइनस टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी डिवाइडेड बाई वन माइनस, देखो अगर इसको ब्रैकेट में लिखोगे तो वन माइनस यहाँ होगा और यहाँ चला जाएगा टैन ए इंटू टैन बी प्लस टैन बी इंटू टैन सी प्लस टैन सी इंटू टैन ए ब्रैकेट। तो ये क्या हो गया, ये एस टू हो गया, ये वाले पार्ट एस वन हो गया और यहाँ पे एस थ्री हो गया। तो एस फोर आएगा ही नहीं, देखो इसको इसी यहाँ पे क्या है थ्री है, तो देखो इसको लिख सकते हैं वन ये एस वन माइनस एस थ्री प्लस एस फाइव लिखेंगे नहीं, फाइव टर्म है नहीं यहाँ पे तो ये तो आएगा नहीं, वन माइनस एस टू प्लस एस फोर हो जाता है तो ये आएगा नहीं, तो फाइनली जो बचेगा वो एस वन माइनस एस थ्री डिवाइडेड बाई वन माइनस एस टू, तो यही फॉर्म में है बस। ठीक है, अब देखो यहीं से डिराइव कर सकते हो अगर ये भूल गए कि टैन थ्री ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताओ क्या होगा, क्या करना है सभी में, थ्री टैन ए, हाँ थ्री टैन ए माइनस टेन क्यूब ए वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर वन माइनस टेन थ्री स्क्वायर टेन स्क्वायर। देखो यहाँ पे पुट करोगे ए ए तो ये क्या हो जाएगा सेम टर्म हो जाएगा प्लस इसके साथ ऐड करेंगे तो ये थ्री आ जाएगा थ्री टेन स्क्वायर है और यहाँ टेन क्यूब ए आ जाएगा यहाँ थ्री टेन ए, तो ये फॉर्मूला याद रखना ये यूज होता है टेन थ्री ए का। ठीक है, ये याद होना ही चाहिए, जैसे तुम लिखोगे टेन अगर ए प्लस बी लिखते तो यहाँ पे क्या चला जाता जी एस वन माइनस एस थ्री किए थे तो ये तो है नहीं तो ये अवेलेबल होगा नहीं, वन माइनस एस टू प्लस एस फोर ये दो टर्म है तो एस फोर ये होगा ही नहीं, तो यहाँ से टेन ए प्लस बी इसी से लिख सकते हो टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी करेक्ट। अब टेन टू ए यहाँ पे लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा टू टेन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस स्क्वायर, तो देखो यहाँ से डिराइव हो गया, तो ये ध्यान में रखना ये यूज होता है यहाँ, देखो इस तरह से याद भूलना मत इसको थ्री वन थ्री टेन ए वन और ये वन थ्री वन और थ्री यहाँ पे आ गया, तो इस तरह से भी याद रख सकते हो कि थर्टी वन ऊपर होता है थर्टी नीचे हो जाता है थ्री टेन ए, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा टेन ए प्लस, ये यूज किया जाता है टेन थ्री ए का, इस पे जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं इस फॉर्मूला को यूज करके इसलिए बता दिए, और ये भी फॉर्मूला याद रखना tan 2a इज इक्वल टू टू टेन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए, साइन 2a इज इक्वल टू बताओ tan के फॉर्म में टू टेन ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan सो वन माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट है, ये यूज होगा कंडीशनल आइडेंटिटी में। चलो नेक्स्ट इसी पे बता रहा हूँ, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, फॉर्मूला है प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, एक प्रॉब्लम बना लो कंडीशनल आइडेंटिटी का, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू टू प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, जल्दी से प्रूव करो, तो सिर्फ और सिर्फ प्रूविंग वाला ही है इसमें, हो जाएगा, क्या करोगे इसमें पहले बताओ, साइन स्क्वायर को सिर्फ टर्न कर देंगे कॉस 2a में, हाँ ठीक है कॉस 2a में चेंज कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस 2a बाई टू टू प्लस वन माइनस कॉस 2b बाई टू प्लस वन माइनस
cos 2c by 2. अब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 by 2 minus 1 by 2 into cos 2a plus cos 2b plus cos 2c. आएगा ना, लेफ्ट साइड से चल रहे हैं तो ये देखो 1 by 2, 1 by 2 अलग कर लिए हैं, 1 by 2 कॉमन लेकर के cos 2a प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी, यहाँ माइनस रखें तो माइनस में हो जाएगा. अभी इसका बताया है कि इसका जो होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी का प्रूफ करने के लिए बताया था ना, ये याद रखना. यस सर. क्या वन माइनस, सो वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये दिए थे ना प्रूफ करने के लिए होमवर्क. हाँ ये वाला, ये याद रखना, ये दोनों के लिए याद रखना, अभी तो करवाए वो भी और इसको भी. तो क्या लिखोगे, वन माइनस थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन माइनस फोर कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी इज इक्वल टू थ्री बाई टू माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, वन बाई टू राइट. यस प्लस टू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, दिस इज इक्वल टू टू प्लस टू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, यही है ना जी प्रूफ करने के लिए. यहाँ टू होगा, छोड़िए ठीक है, हो जाएगा. यस सर. ठीक है, हाँ इजी ही है. इसमें एक होमवर्क में लिख लो, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट कॉस कॉट लिख लो, कॉट ए प्लस कॉट बी इंटू कॉट बी प्लस कॉट सी इंटू कॉट सी प्लस कॉट ए. ट्राई करना कि अगर ये रिजल्ट याद रहता है तो ठीक है, याद भी रखना, अदरवाइज कोसेक ए इंटू कोसेक बी इंटू कोसेक सी हो जाएगा. सो ट्राई करना, ये होमवर्क में दिए हैं. ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी यूज करना, पाई यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इन्हें ट्रायंगल लिख दिया है. अब देखो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है और होमवर्क दे दूंगा उस मॉड्यूल से भी, इस तरह के एक्स वाई, पहले ये बताओ, ये प्रूफ कर लो तब दे दूंगा, ये प्रूफ करके बताओ जल्दी से प्रूफ डेट. और इसको याद रखना है रिलेशन को, tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a into tan b into tan c. जल्दी से बताओ प्रूफ करके, प्रूफ डेट करना है और इस रिलेशन को याद रखना है. cot a into cot b into cot c is equal to a plus multiple. cot a into cot b plus cot b into cot c plus cot c into cot a is equal to 1. दोनों प्रूफ करके या दोनों कर जो रिजल्ट है वो याद रखना है जीते जी, ये याद होना चाहिए.
फर्स्ट वाले किसी ने प्रूफ किया? ट्राई करें एक सेकंड, अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार बनाओगे देखो क्या लिख सकते हो। इसमें सॉरी इसमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, सॉरी ये कंडीशन दिया हुआ है। देन क्या लिख सकते हो जी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। अब टैन ले लो, ये टैन a प्लस बी इसी फॉर्म से आ सकता है, तो टैन a प्लस बी ले लिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा टैन पाई माइनस सी। अब पाई माइनस सी देखो, पाई यहाँ पे आ गया, अब पाई माइनस में है तो सेकेंड क्वाड में ये क्या हो गया निगेटिव के साथ ओपन होगा, टैन सी ही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से चेंज देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस। हाँ इसको ऐसे भी तो कर सकते, टेन सर टेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सर टेन 180, और टेन 180 का सर अनडिफाइंड होता है, तो सो अनडिफाइंड टेन 180 अनडिफाइंड होता है, सही सही इसका वैल्यू जीरो होता है, जीरो होता है यस सर, अगर जीरो होता सर तो हम लोग इसका हम समझ रहे हैं ठीक है, वो फॉर्मूला यूज कर रहा है। अब यहाँ से क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, तो क्या हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू माइनस टेन ए, ठीक है माइनस होगा प्लस हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। अब इस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड लेकर के चले जाओ, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस ये रिजल्ट याद रखना, टेन सी इज इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। एक और बोल रहा था रवि, वो एक्चुअली इसका फॉर्मूला यूज कर लेना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई गिवन है, देन टैन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टैन पाई, तो टैन पाई का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है, तो वन इसको क्या लिख सकते हो एस वन माइनस एस थ्री डिवाइडेड बाई वन माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स आ गया यहाँ से क्या एस वन बराबर एस थ्री, तो ये हो गया जो गिवन था करेक्ट ना। अब नेक्स्ट यस सर सेकंड वाले, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं जल्दी से करके बताओ। इज इक्वल टू वन लेकिन देखो क्या करोगे, इसी का जस्ट एक्सटेंशन है वन टर्म, एक आगे वाले स्टेप है, क्या करोगे टैन को कॉट में चेंज कर लो, यहाँ पे क्या था कि tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a into tan b into tan c। अब इसको क्या करेंगे बताओ, सारे को cot में चेंज कर लो, तो 1 by cot a plus 1 by cot b plus 1 by cot c is equal to 1 by cot a into cot b into cot c, राइट right? अब yes, क्या sir. करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो cot a into cot b plus cot b into cot c plus cot c into cot a डिवाइडेड में क्या चला जाएगा बताओ सर, cot a cot b cot c से कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो डायरेक्टली लिख दो रिजल्ट। देखो इसमें एलसीएम लोगे तो एलसीएम में डिनोमिनेटर में कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी हो जाएगा, ऊपर में क्या चला जाएगा यहाँ कॉट ए है तो उसमें कॉट बी कॉट सी चला जाएगा, कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट ए इंटू कॉट सी,
plus cot a into cot b. This is equal to यहाँ पे 1 by cot a into cot b into cot c. अब ये वाले cancel out हो जाएगा, तो numerator वाले को equate कर लो, denominator वाले cancel out हो गया. cot c plus cot c into cot a plus cot a into cot b is equal to 1. तो ये result याद रखना, ठीक है, ये याद ही रखना है. tan वाले भी याद होना चाहिए. अगर tan वाले याद रहेगा तो इसे ये क्या कर लोगे, डिराइव कर लोगे, वो याद रहेगा, ध्यान में रहेगा, तो ये पता रहेगा कि अगर a plus b plus c is equal to पाई रहता है तो ये दोनों रिजल्ट होता है. हो जाएगा, बोलो. यस सर. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर. चलो तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको देखो ट्राई करके. अभी इसी से रिलेटेड है, थोड़ा यूज करना माइंड का. एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये गिवन है. देन प्रूव दैट एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर. ट्राई करो, इसी से रिलेटेड है. यहां से डिराइव करना है, फर्स्ट में तुमको एंगल का वैल्यू फाइंड करना है. देखो अगर कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से तो क्या करोगे, अभी रिजल्ट बताए थे, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मींस एक्स बराबर कॉट ए मान लो, कॉट वाई बराबर कॉट बी, जेड बराबर कॉट सी. अब क्या है, प्रोडक्ट दोनों के करोगे तो अभी बताए थे कि कॉट एक्स वाई प्लस वाई जेड, इसका लेफ्ट साइड कंसिडर करो तो क्या होगा, गिवेन है तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1, तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1. इट मीन्स यहां से क्या होता है, ये कब रिजल्ट डिराइव होता है, रिवर्स में जाओ तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए. ये तो आ गया यहां से ये डिराइव, ठीक है, यहाँ एज्यूम किए एक्स और कॉट ए कॉट बी, क्यों कि ये दिख रहा था कि अगर वो ध्यान में रहता कि कॉट वाले का टेकिंग टू एट ए टाइम प्रोडक्ट करते हैं और वो सम करते हैं तो क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से एज्यूम कर लेंगे. देन ए प्लस बी प्लस सी में कंडीशन ले आएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, पाई होगा. अब देखो तुम्हारे पास अब प्रूफ करना है, जो एक्स वाई क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई 1 माइनस जेड स्क्वायर. देखो यहां से टैन एज्यूम करता तो डायरेक्टली इससे रिलेट कर पाते, अगर नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो क्या करना है, फिर से इसको एज्यूम कर लेना है 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर. अब यहां पे एज्यूम कर लो कि एक्स बराबर
tan के फॉर्म में, देखो ये फॉर्मूला कुछ जा रहा है कि टू टाइम्स रहता है, मीन्स टू से मल्टीप्लाई कर लेते लेफ्ट वाले, देखो ये लेफ्ट वाले को कंसिडर करो, लेफ्ट वाले को कंसिडर करोगे तो क्या हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई एंड टू से डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा, टू एक्स वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू जेड वन माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा एल एच एस लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। यस सर। अब x बराबर यहाँ पे tan a एज्यूम कर लो, y बराबर tan b, z बराबर, हालांकि यहाँ पे तुम tan a tan b करता तो वही रिलेशन आता, ठीक है, tan a tan b tan c अगर एज्यूम करता तो रिलेशन वो आ जाता है a प्लस b प्लस, मेन पर्पस है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई लाना है, तो ज्यादा रिलेट करना है तो tan a ही एज्यूम कर लेना, tan a tan b tan c, तो वहां से रिजल्ट आ जाएगा, कैसे आएगा जो बता देंगे, अदरवाइज tan a यहां पे कर लो, y is equal to tan b, z is equal to tan c, अब यहां पे फॉर्मूला यूज करोगे तो 1 by 2 क्या हो जाएगा, यहां पुट करो tan a 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 minus tan square tan 2 plus 2 tan 2b sorry tan, ठीक है, प्लस tan 2c, करेक्ट ना, ये हो गया रीजन यहां से। अब देखो जब ये आ गया तो तुमको a प्लस b प्लस c अगर गिवन रहता है पाई, तो यहां से आता है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे 2a प्लस 2b प्लस 2c, देन ये 2 पाई होगा, तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इज इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c, कैसे आएगा कि 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2c लिख लो, देन tan ले लो 2a प्लस tan 2, यहाँ पे 2b इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस 2c, जैसे उसको प्रूफ किए थे, इसको ओपन कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस tan 2c हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना तो यहां से रिजल्ट ये वाला मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू, तो अब क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ये रिजल्ट आया tan 2a tan 2b, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, tan 2a into tan 2b into tan 2c हो जाएगा ना, अब वो वैल्यू रख लो, फिर से इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ लिखोगे ये 1 by 2 है इंटू में ये वाले जो आएगा, अब tan 2a क्या रखोगे, ओपन कर दो इसको, तो 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा इनटू, नहीं समझ रहे हो, यस सर, tan ये 2 हो जाएगा 2b बटे 1 माइनस tan स्क्वायर भी, और देन रीसब्स्टिट्यूट कर देना, तो 2 इनटू 2 इनटू 2 8 हो जाएगा, और यहां पे 1 बाय 2 है तो 4 इनटू क्या हो जाएगा वो x बटे 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड वाई 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, वो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉट मान लिया, यहाँ पे टाइन ही तुमको लेकर के चलना पड़ेगा, मेनली ये रिजल्ट लाना रहता है प्लस बी प्लस इक्वल टू फाइव, लेकिन अगर टाइन मानोगे जो एक्चुअली प्रॉब्लम बनाना एग्जाम में पूछेगा, तो ये दिखने के लिए बताया था कि डायरेक्टली इस तरह से करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ टाइन मान करके ही बनाना है, ऐसे बनाओगे तो मार्क्स नहीं देगा, तो प्रूफ करो, अगर यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू टेन ए, वाई इज इक्वल टू टेन बी एंड जेड इज इक्वल टू टेन सी, तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी प्रूफ करो कि पाई आ रहा है कि नहीं, ये दिखाना है वहां पे, वही मानना है, ठीक है, वो दिखा दिया हूँ डायरेक्टली कॉट एज्यूम करने के लिए, ये प्रूफ करो, तो ये गिवेन है तो ये एज्यूम किए हैं तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई आना चाहिए, जल्दी से बताओ आ रहा है कि नहीं, किस तरह से इसको लाएंगे, जो
नहीं आया, अरे बदमाश, देखो क्या होगा, tan a into tan b plus tan b into tan c plus tan c into tan a is equal to 1. अब एक टर्म को क्या करेंगे राइट साइड में, सपोज इस वाले फर्स्ट वाले टर्म को राइट साइड में भेज दिए तो बच जाएगा लेफ्ट साइड में tan b plus into tan c plus tan c into tan a is equal to 1 minus tan a into tan b. ठीक है, अब देखो यहाँ पे tan c क्या है, कॉमन है, तो उसको क्या करेंगे बाहर कर देंगे, tan c into tan ये बच जाएगा b अब plus tan a, this is equal to 1 minus tan a into tan b. ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये फॉर्मूला में जा रहा है कि अगर tan a plus tan b है डिवाइडेड में 1 minus tan a into tan b है, तो tan a plus b के फॉर्म में जा रहा है, तो क्या लिख लेंगे उसको डिवाइड कर देंगे, tan a plus tan b डिवाइडेड बाई 1 minus tan a into tan b is equal to, इसको इधर भेज देंगे तो 1 by tan c हो जाएगा, करेक्ट ना. अब यहां से देखो क्या होगा, अब ये हो गया tan a plus b is equal to, यहां पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा cot c, करेक्ट. तो अच्छा यहाँ पे होना चाहिए ना cot, मानोगे तो पाई नहीं, यहाँ पे अब देखो tan a plus b is equal to, इसको tan पाई बाई टू माइनस सी लिख सकते हो, बोलो. यस सर, लिख सकते हो ना, तो ये cot c ही आ जाएगा. अब देखो a plus b बराबर क्या हो जाएगा, a plus b बराबर पाई बाई टू माइनस सी आएगा, सॉरी यहाँ पे पाई बाई टू माइनस सी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई टू आएगा, नहीं टेन ही अज्यूम करना, ठीक है, मीन्स रिलेशन आ जाएगा वहां, कॉट अज्यूम नहीं करना, पाई बाई टू हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई टू, देन प्रोसीड करना, टू से मल्टीप्लाई करोगे, टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी इज इक्वल टू पाई आ जाएगा, और यहाँ से टेन के फॉर्म में जाएगा तो डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, कॉट वाला नहीं अज्यूम करना, ये कॉट वाला में पाई आ जाएगा, वहां से भी वही सेम रिजल्ट आएंगे, कॉट वाला करोगे, लेकिन बनाना तुमको टैन लेकर के बनाना है, करेक्ट ना. तो इसमें कंडीशन क्या रहेगा, कंडीशन ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, इसी तरह से रहेगा, टैन कॉट कुछ भी नहीं रहेगा तुमको, सिंपली क्या हो रहा है, हाँ बोलो, इतना सिर्फ क्वेश्चन रहेगा. टैन अगर हम लोग अज्यूम करेंगे तो उसका कोई रीजन होना चाहिए ना, कि जो प्रूफ हो किसमें, टैन देखो yes, मेनली एज्यूम किया जाता है कि ए प्लस बी प्लस सी में वो वैल्यू निकल जाए, पाई बाई टू आना चाहिए, पाई आना चाहिए, तो पाई बाई टू को लेके कर सकते हैं सर, टेन पाई बाई टू, सम ए प्लस बी प्लस सर, ए प्लस बी प्लस सी, सर जब पाई बाई टू होगा तो सर उसमें टेन एज्यूम कर सकते हो ना. हाँ एज्यूम कर सकते हो, यहाँ देखो ना एक को भेजोगे राइट साइड में तो पाई बाई टू तो आया ना, इसमें क्या होगा कि फॉर्मूला उसी रूप में डिराइव रहता है. देखो ये कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो वो दिख रहा है कि ये टैन वाले ही फॉर्मूला लगेंगे तो आएंगे, 1 माइनस पाई स्क्वायर है, जेड बटे 1 माइनस जेड स्क्वायर है, ये प्रोडक्ट में जा रहा है, तो वो क्वेश्चंस देखना पड़ेगा, उससे पता चलता है कि क्या है, यहाँ पे साइन एज्यूम करोगे कभी भी वो यूजफुल ही नहीं है. तो ये डिराइव ही किया गया है, ये प्रॉब्लम को फॉर्म किया गया है टैन के बेसिस पे, साइन के बेसिस पे रहेगा तो वो डायरेक्टली उसका रिजल्ट लेकर के फाइंड कर सकते हो. एक और इसमें देख लो, दो तीन क्वेश्चंस रहता है इसमें, प्रूविंग आता है तो ये पता होना चाहिए, तीन चार क्वेश्चंस बना लोगे तो दिक्कत नहीं होगा, वो ध्यान में रहेगा कि अच्छा इस तरह से बनाया जाता है, लेकिन रिजल्ट याद रखना, रिजल्ट हमेशा यूज हो जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे पूछा जाता है, इस वाले पार्ट से इसमें दिखता ही नहीं है कि क्या एज्यूम करना है. जैसे नेक्स्ट एक देता हूं, ये ध्यान में, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड,
इफ प्रूव दैट 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y माइनस y क्यूब 1 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3z माइनस z क्यूब 1 माइनस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर प्रोडक्ट में आ जाएगा 3y माइनस y क्यूब 1 माइनस 3y स्क्वायर इंटू 3z माइनस z क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3z स्क्वायर। किस तरह से प्रूव करोगे, क्या एज्यूम करना है इसमें? 10 एज्यूम कर लेंगे। 10 एज्यूम करोगे, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है ना? यस सर। या 10 प्लस 10 प्लस 10 3 भी 10 3 सी को सर आ जाएगा। हां ये 10 3 सी में आ जाएगा। वो a यहां से रिजल्ट आ जाएगा, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। देखो डायरेक्टली रिजल्ट पे ही है, x को tan a, y को tan b, z को tan c। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 3a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 3 पाई। देन क्या करोगे, ये tan ले लोगे तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा tan 3a इंटू tan 3b इंटू tan 3c इज इक्वल टू tan 3a प्लस tan 3b प्लस tan 3c। और देन फॉर्मूला में ब्रेक कर लेना, रिसब्स्टिट्यूट कर देना x एंड y को, आ जाएगा। यस सर। एक और प्रॉब्लम इसमें देख लो, होमवर्क में ही रहेगा। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1, देन एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, जेड वाई 1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर। कैसे प्रूफ करोगे बताओ? बताओ। एक सेकंड। So, इसमें से x को 10 by 10 in 10 a by 2 मान सकते हैं। 10 a by 2 मानो। ये क्या दिख रहा है ना, ये किस फॉर्म में जा रहा है? साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है? So, 10 tan a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a। यस सर। तो x y z को क्या एज्यूम करना है? सर अगर सर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू y / 2 है तो सर 10 a मान लेंगे अगर। हां हां। और सर अगर या फिर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई है तो सर उसमें 10 a बाय 2 मानेंगे। हाँ हाँ। तो क्या यहाँ पे क्या एज्यूम करोगे बताओ ना, यहाँ आएगा कंडीशन क्या आएगा? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू हाउ मच? पाई बाय 2। पाई बाय 2। तो एज्यूम तो करना है x बराबर tan a, y बराबर tan b, z बराबर tan c, then उसके बाद सर इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे। वैल्यू पुट करोगे बदमाश? अरे ये हो गया ना, यहाँ पे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे या 2 से डिवाइड करोगे? यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्म आ जाएगा कितना, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, और यहाँ क्या होता है 1 बाई 2 से डिवाइड रहेगा, राइट? अब इसका रिजल्ट ऑलरेडी बोले हैं कि याद रखना क्या होता है, 4 साइन 2a इंटू साइन 2b इंटू साइन 2c। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला यूज कर लो, क्या होगा इसका फॉर्मूला? साइन 2a नहीं, साइन a होता है ना?
यस सर साइन बी होता है साइन सी होता है देन सर कंडीशन तो सर इसमें तो फिर 2 अगर लेंगे तो सर इसमें ये हो जाएगा ना a plus b plus c is equal to 180 नहीं नहीं इसमें क्या करना है साइन 2a के फॉर्म में आया ना 2a plus 2b plus 2c लेकिन अभी बताया ना कि a plus हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेना a plus b plus c is equal to 5 by 2 आया ना 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा यस सर देन इसके लिए तो अब वो यूज हो जाएगा फॉर्मूला साइन में यूज हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा ना यस सर इसके लिए साइन में फॉर्मूला यूज करोगे तो साइन 2a plus जैसे होता था sin a plus sin b plus sin c is equal sin हाँ बोलो sir sin 2a plus sin 2b sir sin 2c is equal to sir 4 sin is sin b sin c sir इसका तो sir यानी a plus b plus c is equal to sir pi है हाँ तो यहाँ से रिजल्ट नहीं आएगा sir आ जाएगा sir हम लोग sir अगर yes sir अगर sir sin a को हम लोग सर ए है ना तो सर इसको 10 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं सर 10 बाय 2 के फॉर्म में अच्छा तो सर 10 बाय 2 को अगर सर हम लोग उस इक्वेशन पुट करें तो सर आ जाएगा वो फर्स्ट इक्वेशन जो आप देख लेना ट्राई करना इसी से आ जाएगा यस यहां पे इसको लिख सकते हो जैसे tan a इज इक्वल टू x से जूम किया है तो यहां से sin a का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ सर 2 tan a बाय 2 डिवाइडेड बाय डायरेक्टली लिख लो ना एक्स वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह से ना टेन ए एक्स नहीं यहां से इसको नहीं करना क्या बोल रहा है देखो यहाँ से डिराइव करना पड़ेगा कि ये रिजल्ट आता है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर बना दूं क्या हाँ सब क्लियर हो जाएगा बना दूं चलो ठीक है yes. यहाँ पे क्या करना दिया हुआ क्या क्या है देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड अब प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 गिवन है यही गिवन है ना इट मींस यस सर टैन एक्स बराबर टैन ए वाई बराबर टैन बी जेड बराबर टैन सी तो टैन ए इंटू टैन बी प्लस टैन बी इंटू टैन सी प्लस टैन सी इंटू टैन ए इज इक्वल टू 1 अभी इसका डिराइव किए थे पिछले क्वेश्चंस में उसके पहले वाले में टैन ये हो जाता था a प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाई टैन सी आया था ना कॉमन लेकर के ये वाले टर्म को राइट साइड में भेजोगे तो यहाँ से आ जाएगा टैन a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट सी और इसको लिख सकते हैं टैन 5 बाई 2 माइनस सी लिख सकते हैं ठीक है देन a प्लस बी इज इक्वल टू 5 बाई 2 माइनस सी आ जाएगा यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू फाइव बाई टू ये कंडीशन आ गया था अब LHS कंसीडर कर लो LHS जो दिया हुआ है एक्स वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है RHS तो LHS में ये स्क्वायर रूट नहीं है एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई वन प्लस जेड स्क्वायर ये हो जाएगा अब क्या करोगे 1 बाई 2 से डिवाइड करो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर देन अब क्या कर सकते हो ये क्या हो गया साइन 2x हाँ 2 tan a x बराबर क्या पुट करोगे x बराबर क्या है tan a है तो पुट करोगे तो sin 2a हो जाएगा ठीक है प्लस sin 2b हो जाएगा प्लस sin 2c होगा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं ना है आ जाएगा ना यस सर अब देखो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है
इसका 1/2 साइन 2a प्लस साइन 2b। अब यहां से देखो रिजल्ट ये यूज करना, ध्यान रहे ये रिजल्ट, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, तो रिजल्ट क्या आता है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 sin a into sin b into sin c। अब यहां पे क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई टू आ गया, तो यहां 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो अब देखो ये प्रोडक्ट में जाने के लिए क्या यूज करोगे, साइन 2a प्लस 2b रख लो साथ में, ये पाई माइनस 2c कर लो यहां साइन, ठीक है हो जाएगा। यस सर। अब यहां देखो इसको क्या करना है कि वैल्यू को साइन 2a प्लस 2b इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा साइन 2c हो जाएगा ना। अब इसमें साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज कर लो, तो वो आ जाएगा प्रोडक्ट में साइन a प्लस b प्लस c के फॉर्म में लाना है। देखो तुमको इसका वैल्यू फाइंड करना है ना, हाँ तो ठीक है इसको रहने दो, ये यूज कर सकते हैं बाद में, देखो रिलेशन डिराइव कर लेना है उससे, यहां से भी आ जाएगा बट जो वैल्यू है इसका देख लो वैल्यू क्या आएगा, जो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इससे देखना है, तो c प्लस d यूज करो, बताओ क्या होगा 2 साइन 2a प्लस 2b a प्लस b हो जाएगा cos a माइनस b a माइनस b अब प्लस 2 साइन c इनटू क्या हो जाएगा cos c दिस इज इक्वल टू, अब ये a प्लस b का वैल्यू करोगे तो cos c बाहर हो जाएगा, देखो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो यहां से आ जाएगा साइन a प्लस b इज इक्वल टू cos c आएगा कि नहीं, c को इधर ले जाओगे तो cos c यहां पे और cos c ये वाला टर्म हो जाएगा, तो 2 cos c बाहर कर लो, देन बच जाएगा क्या cos a माइनस b अब प्लस sin c sin c। अब sin c को क्या लिख लो cos में लिख लो, sin c इज इक्वल टू क्या होगा देखो क्या लिखोगे cos a प्लस बी हो जाएगा, यस सर होगा ना, क्यों यस सर c इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस a प्लस बी होगा, तो यहां से वो रिजल्ट आ जाएगा, तो 2 cos c यहां से हो जाएगा cos a माइनस बी अब प्लस cos a प्लस बी, ठीक है अब cos c प्लस cos d उसमें यूज कर लो, तो 2 cos c cos c प्लस cos d तो 2 cos this प्लस this तो a आ जाएगा इनटू cos this माइनस this करोगे तो b आ जाएगा, हो जाएगा ना यस सर। अब this इज इक्वल टू आ गया 2 cos a इनटू cos b इनटू cos c। अब देखो अब cos आ गया तो ये पता है कि tan x tan a इज इक्वल टू x मान है, tan b इज इक्वल टू बोलो y, tan c इज इक्वल टू z, z तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेन्यूज, तो यहां से देखो ये क्या हो गया, अगर ये a है तो ये x हो गया ये 1 हो गया, तो ये वैल्यू जो आएगा 1 प्लस x स्क्वायर, तो cos a का जो वैल्यू होगा 2, ये 2 देख लेना 2 क्या हो जाएगा यहां पे
वन बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉस बी का जो वैल्यू होगा वन बाई अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर पॉइंट टू वन बाई अंडर रूट वन प्लस जेड स्क्वायर तो ये आ गया ना टू वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस जेड स्क्वायर रिजल्ट वो आ जाएगा टू ही रहेगा ना टू टू फोर हो जाएगा सॉरी यहाँ से देखो टू टू फोर हो जाएगा और वन बाई टू से कहीं डिवाइड नहीं ना किया था यहाँ से किया था वन बाई टू तो फाइनली टू ही आ जाएगा तू ही था ना प्रूफ करने में देख लेना वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस जेड स्क्वायर समझ में आया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेंथी हो गया है yes, बट ठीक है ना देखो टू मल्टीप्लाई में था यहाँ पे वन बाई टू सॉरी वन बाई टू तो उसको क्या होगा फोर आएगा तो उसको कैंसिल आउट होकर के टू ही रह जाएगा तो ठीक है so, तो वो भी कंडीशनल आइडेंटिटी हो सकता है so, अगर कौन सा टू ए अगर a plus b into 2 is equal to 180 तो सर cos 2 हाँ हाँ वो भी उससे जो भी derive होगा cos 2 cos a into हाँ वो conditional identity ही होगा condition दिया हुआ है उसके basis पे derive किया है अब वहाँ पे a का value कुछ भी रखो लेकिन दोनों का sum क्या होना चाहिए a plus b plus c is equal to pi by 2 होना चाहिए तो a का b का और c का कुछ भी value रखो satisfy करेगा always but sum होना चाहिए pi by 2 right ठीक है यही पे नेक्स्ट क्लास में कंडीशनल आइडेंटिटी तक मॉड्यूल में अप टू कंडीशनल आइडेंटिटी तक सॉल्व करना है कंप्लीट करके आना एक्सरसाइज वन का अप टू कंडीशनल आइडेंटिटीज नेक्स्ट क्लास में सीरीज बता दूंगा देन प्रॉब्लम बताऊंगा इससे रिलेटेड टोटल मतलब शुरू से सीरीज तक कुछ कुछ जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जो कंपटीशन में पूछा गया है वो प्रॉब्लम करवा दूंगा अभी तक कुछ पूछना तो पूछ सकते हो बुकलेट से होमवर्क बुकलेट से ही एक्सरसाइज वन से यस करो कितना क्वेश्चन बहुत सारा हो जाएगा कंप्लीट कर लेना लास्ट उसके पहले दिए थे ना अभी तो फिलहाल कहाँ तक दिए हैं तुम लोगों को सर एक्सरसाइज वन में सर 30-40 के पास दिए सर 39 के पास सॉल्व जो प्रॉब्लम है वो सब तुम लोग बनाते हो कि नहीं जो पहले दिया हुआ है थ्योरी वाले पार्ट्स में टोटल कंप्लीट करते जाना उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं तो उसको छोड़ना मत वो वर्क जो सॉल्वड है सब्जेक्टिव एंड सॉल्वड ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करते जाना कहां तक बनाओगे इसमें है कंडीशनल 89 हाँ 89 तक इसमें चार पांच क्वेश्चंस करवा दिया हूं तो वो 89 तक कंप्लीट कर लेना देन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का नेक्स्ट क्लास में बनवाऊंगा और फर्स्ट जेई मेन वाले में भी कर लेना अप टू कंडीशनल आइडेंटिटी तक ठीक है चलो ओके और कुछ पूछना है रवि नो सर किसी को कुछ पूछना है विवेक नया है क्या नो सर तुमने नाम चेंज कर लिया अपना नहीं नहीं सर हम नए हैं लेकिन हमको कुछ पूछना नहीं है अच्छा रौनक नो सर देवांशु नो सर सब अच्छा से समझ में आया ठीक है यहाँ तक एंड कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में सीरीज पढ़ाऊंगा और कंपटीशन वाले कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा देन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस स्टार्ट करूंगा ठीक है चलो बाय बाय टेक केयर गुड नाइट थैंक यू सो